हेलो दोस्तों मॉर्निंग का समय था और बज रहे थे छः तो थोड़ी सी आज मेरी लेट भी हो गई है लेकिन जो भी परंपरा है गाँव के नियम है ना वो भी करना ही पड़ता है चाहे जहाँ भी रहो तो दोस्तों अगहन का महीना चल रहा है कनकनी सी ठंड है काफ़ी कनकनी है दोस्तों लेकिन जो भी है ना वो नियम करना आगे पड़ता है तो दोस्तों मैं फ्रेश होकर ही किचन में जा सकती हूँ तो बस यहाँ पर देख सकते हो मौसम का व्यू और अभी सूर्य देवता नहीं निकले हैं जहाँ भी रहो अपने परम्पराओं को हमेशा बरकरार रखना चाहिए दोस्तों तो मैं फ्रेश हो गई हूँ और जाऊँगी नीचे ताकि कि मैं किचन में बच्चों लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है तो बस किचन आ गई हूँ दोस्तों तो ये अच्छा ही नियम है क्योंकि किचन एक अन्नपूर्णा का वास होता है जहाँ सफाई की काफ़ी महत्व तो दिया गया है तो दोस्तों जो भी बड़े बुजुर्ग तो जो भी चलाए ना अच्छे हैं और दोस्तों कनकानी सी धू, मतलब ठंड है ना तो थोड़ी सी कनकनी थोड़ी सी लगती ही है तो बस फ्रेश होने के बाद ना स्वेटर पहन लेती हूँ ताकि ना ये चढ़ी रहेगी ना तो ठंड थोड़ी कम लगेगी तो बस मैं बच्चों लोग के लिए बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में सत्तू के पराठे और दोस्तों आज मैं अपने मॉर्निंग से लेकर दिन भर से लेकर रात तक की रूटीन आप सभी से, से, से शेयर करूंगी कैसी मेरी दिनचर्या चलती है दोस्तों ठंड के महीने में यानी अगन के महीने में दोस्तों तो यहाँ पे सत्तू का पराठा बना रही हूँ सत्तू का पराठा सिंपल तरीके से बनाती हूँ ज़्यादा मिर्च नहीं डालती हूँ दोस्तों क्योंकि बच्चों लोग को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है और मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता और नींबू की जगह मैंने अचार का मसाला डाल दिया था क्योंकि नींबू नहीं थे तो बस इसको मैंने यहाँ पे स्टपिंग को भर ले रही हूँ और छोटा छोटा बनाऊँगी दोस्तों इन लोग को छोटा ही पसंद आता है और सत्तू का पराठा को ज़्यादा इन लोगों को ही पसंद आता है तो बस मैंने ना सत्तू के पराठे ही बना दिए हैं ब्रेकफास्ट में और यही रहेगी सिंपल सा ब्रेकफास्ट दोस्तों ये खा भी लेंगे और ले जाएंगे तो हमारे बच्चों लोगों को ना मैं सोचती हूँ ना कुछ अलग सा कुछ दूंगी तो वो लोग नहीं बले... खाना चाहते हैं तो जो खाते हैं ना वही मैं बनाती हूँ तो बस यहाँ पराठे को रेडी कर लेती हूँ और ठंड में ना बच्चों लोग को थोड़ा सा उठाने में भी ख़राब लगता है लेकिन क्या करें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना तो बस बेटिया रानी को थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है ना वो फ्रेश हो गई थी मैं उसको गर्म पानी दे देती हूँ वो फ्रेश हो जाती है तो बस वो पहन रही थी और मैं इधर ब्रेकफास्ट भी इधर रेडी कर लिया था और उसको ना थोड़ी सी मेरी परेशानी रहती है इसका कंघी करना क्योंकि इसके बाल ना थोड़े से बड़े हो गए हैं और बड़े बाल को तो बांधना ही पड़ेगा नहीं तो इसकी मैम से डांट पड़ जाएगी ना तो इसकी मैंने ना दो ही बांध दूँगी क्योंकि इसके दो चोटी ज़्यादा ही अच्छा लगता है और एक भी बाल इसको निकलना पसंद भी नहीं है और मैडम की तरफ से डांट भी मिल जाती है ना तो बस थोड़े से कंघी करने में के लिए मेरी मेरी हेल्प लेना पड़ता है इसको नहीं तो ये सारे कुछ ये खुद कर लेती है और यहाँ तक कि अपने वाटर बोतल भी भर लेती है लेकिन अभी गर्म पानी डाल रही हूँ ना तो इसलिए ना मैं ही भरती हूँ क्योंकि नहीं तो ठंडा पानी ये डाल लेगी तो बस यहाँ पे इसकी चोटी बना दे रही हूँ और इनके पापा ने एक काम कर दिया था दूध लेके आ गए थे नहीं तो मुझे ही जाना पड़ता है तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है ना जब वो नहीं रहते तो मुझे जाना पड़ता है और सुबह का टाइम होता है ना सारे चीज़ का लोड एक बार ही पड़ जाती है तो बस यहाँ पे दूध भी आ गया था और इसकी गाड़ी भी आ चुकी है तो बस फटाफट से ये रेडी हो गई है दोस्तों इसकी चोटी मैंने बांध दिया है और मैंने क्लिप भी लगा दी ताकि इसके कोई भी बाल आगे ना आए तो बस इसमें थोड़ी सी मैंने इसको क्रीम डाल दे दिया है और ये देखिए इसकी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर तो इनके पापा गए हैं वहाँ पर तो बस दोस्तों आते ही बेटे के लिए मैं थाली सजा दे रही हूँ क्योंकि इसके अभी टाइम होने वाला है इसकी गाड़ी आने वाली है दोस्तों तो बस सुबह का ऐसा ही टाइम चलता है ना हमें अपने नियमों को तो करने के साथ साथ बच्चों को कैसे मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को लग ही जाते हैं तो किलिंग विलिंग होने के बाद यहाँ पे नहा धो के मैं अपने पूजा पाठ में लग गई हूँ और टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई थी इसीलिए ना फटाफट से घर में ही पूजा कर ले रही हूँ और मेरी पूजा भी घर की पूजा हो गई है दोस्तों और ठंड ना आज कुछ ज्यादा भी लग दोस्तों आप सभी कैसे हो आई हफ सभी अच्छे होंगे खुश होंगे मजे तो में होंगे तो आप सभी का कुछ भलाई में स्वागत है दोस्तों और ना मैं बन चढ़ाई हूँ चाय तो इधर मेरी चाय बन रही है और आप सभी से मेरी बातें भी हो रही है तो दोस्तों आई होप सभी अच्छे होंगे और ठंडे में थोड़े से के रहिए दोस्तों क्योंकि ठंड काफी बढ़ गया है पानी ना उसके बाद बादल फटने के बाद ठंड बढ़ चुकी है यानी कनकनी सी धूप मतलब कनकनी धूप के साथ कनकनी भी है दोस्तों तो बच्चे लोग चले गए हैं है स्कूल और इसके पापा का ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं खाऊंगी चाय और पराठा कि सत्तू का पराठा बना है और मेरे साथ पराठे के साथ हमेशा सा मेरा चाय रहता है दोस्तों तो मैं चाय हाँ बना और इधर मेरी चाय बन चुकी थी तो मैं कटोरी में ही खाऊंगी तो दोस्तों बस ऐसे ना आज पराठे कब खाना है ना तो बस मैंने कटोरी में ही चाय ले लिया था और बस यहाँ पे मैं पराठे ले लूँगी तो बस तीन मैं पराठे ले ली हूँ और ये मेरे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुके हैं दोस्तों मैं मिलूँगी आप सभी से शाम को दोस्तों तो शाम का समय था और ना मंदिर में सिर्फ चर्चा हो रही थी तो बोलते हैं ना कि जब सुन लो ना तो जाना चाहिए क्योंकि बगल में ही हो रहा था तो बस सासू माँ बोले कि चलो तो मैंने कहा कि चलो खाली बैठी थी और बेटी भी बैठे बैठ के बोर हो रही थी तो मैं जा रही हूँ दोस्तों और बेटे को ट्यूसन जाएगा तो मैंने उसी को बोल रही थी कि घर लगा के जाना और सिर्फ चर्चा हो रही थी तो बस सामने में बगल में होता है ना तो चल जाते हैं तो यहाँ पर मेरी सासू माँ जा रही है और यहाँ पर बेटी तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे आप सभी से ंदिर में और कुछ ज्यादा नहीं शेयर करूंगी दोस्तों हल्का फुल्का हेलो हेलो दोस्तों तो दोस्तों शाम के अभी सात बज रहे हैं और ना आज काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मंदिर से ही आई लेट से छः बजे और घर में संध्या पत्ती की उसके बाद चाय वाली बन चाय पिए उसके बाद दोस्तों आ गई हूँ किचन और किचन में भी बनाना है डिनर की तैयारी लेकिन डिनर बनाऊँगी बाद में इसकी बन रही है कुछ आलू की रेसिपी तो दोस्तों इसकी मतलब मेरे बेटे जी का यानी अंकित का तो ये बना रहा है आलू की रेसिपी और ये फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम बना रहा है एक बार बना चुका था लेकिन अच्छा बना था तारीफ़ मिला है इसीलिए ना इस पर फिर इसको भूख लग गई है तो बोला मम्मी मैं बनाऊँगी तो मैंने कहा कि चलो मैं ये रेसिपी डाल देता हूँ तो दोस्तों आप आपसे बने रहिए और ये उस और इसमें दो आलू कट किए थे और यहाँ पे आलू को कट करके बॉईल होने के लिए हल्का सा नरम होने के लिए दे दिया था तो बस लंबा लंबा काट के किया था और यहाँ पे देखिए कॉटन कपड़े में इसको रख दिया था ताकि इसके पानी मतलब सूख जाए तो यहाँ पे इसने रख दिया था और यही ये, ये दूसरा बार बन गया दोस्तों पता नहीं इसको अच्छा लगता है तो मैंने भी थोड़ा सा खाया तो तो अच्छा था तो अच्छा लगा तो मैंने कहा कि ज़्यादा मत बनाना बस अपने बार बनाना क्योंकि आज बेटी नहीं खाएगी उसमें थोड़े से मुँह में छाले पड़ गए हैं ना इसी तो बस ये तो तीखा नहीं रहता है तो यहाँ पर इसने ना कॉर्न और मैदा डाल दिया था और फिर तस्वीरें तो ये मैदा डाल दिया था दोस्तों तो बस मैंने कहा कि मैंने कम करने के लिए बोला था लेकिन ये बोला कि नहीं मम्मी इतना हो जाएगा तो मैंने बनाओ तो इसको न, वो ना वो लोट पोट कर रहा था इसको ना अच्छा से मिला रहा था आलू में ताकि आलू में पूरा सा आए और इसने नमक नहीं डाला था और कढ़ाई भी गर्म होने के लिए दे दी थी और यहाँ पर मैंने बेटी के लिए थोड़ा सा आटा का था हलवा बनाया था क्योंकि उसको थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ खा लेगी और मुंह में छाले पड़े हैं ना तो वो खा नहीं पा रही है तो मैंने ना ठंडा होने के लिए दे दिया था तो अचानक से हो गया है दोस्तों पता नहीं क्यों हो रही है तो यहाँ पे ये आलू को फ्राई कर रहा था तो यहाँ पे ना ये दो बार डबल आलू को फ्राई करेगा एक बार फ्राई करने के बाद और एक बार फ्राई करेगा तो दोस्तों ये कर लिया था और इसकी प्लेट लग गई है सॉस के साथ थोड़े से इसमें चाट मसाला डाला है और नमक काला नमक और ये हलू वेस्ट हो गया है तो मैं इसको सब्ज़ी में डाल दूँगी और इसकी लग गई है प्लेट प्लेट दोस्तों तो ये खाएगा मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी तुम खाओ और ना बेटी खाएगी तो दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग हलवा खा रहे थे यानी आटे का हलवा मैं मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया था और ये बोली कि मैं इतना नहीं खाऊंगी मम्मी तो बस मैं इसके साथ खा रही हूँ और मुझे भी आटा का हलवा काफ़ी पसंद आता है तो इसको ना अच्छा लगता है और ये जो आटे वाला सूखा वाला चूरमा भी इसको ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फिर आलू फ्राई बन चुका है और ये जा रहा है खाने के लिए और मैंने ना और बेटी ने हाँ थोड़ा सा हलवा बना के खा लिया है तो दोस्तों करती हूँ यहीं पर वीडियो को ऐड